हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है आप लोग को R3 कितनी ज्यादा पसंद है, कितना बढ़िया इसका फैन बेस है। तो आज अपने पास एक R3 आई हुई है जिसमें ECU लग रहा है, पावर टॉनिक तो लग ही रहा है, साथ ही साथ उसमें लग रहा है क्विक शिफ्टर। तो आपको वो भी दिखाते हैं, मजा आ जाएगी। बिकॉज अभी तक इंडिया में वो वाली R3 लॉन्च नहीं हुई है जिसमें क्विक शिफ्टर आता है। ऑलरेडी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे खड़ी R3 आप देख सकते हो, और इसमें जो ECU है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। बाकी थोड़ा डेटा का वर्क हो रहा था, वो भी अब एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे इसका मैप स्विच है, ये देखो, तो इससे आप मैप 1 और मैप 2 के बीच स्विच कर सकते हो। एंड क्विक शिफ्टर लग गया, सबसे खतरनाक चीज़ तो क्विक शिफ्टर लग रही है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्टार्ट करके, शिफ्ट करके। अभी बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया काम कर रहा है क्विक शिफ्टर। तो अभी हमने पहले गियर में डाल दिया, मैं ये वाला हार्ड टच भी नहीं करूँगा, क्लच रिलीज कर दिया, व्हील घूमने लगा पीछे वाला। अब क्विक शिफ्टर का कमाल देखो आप, बवाल हो चुका था, तुम जा रहे थे ना, वही हो गया पूरा। ये बात तो सही है, बिल्कुल ना भाई, को मजा नहीं आ रहा था। हमने इतनी खतरनाक हो चुकी है R3, अब मैं बता नहीं सकता हूँ। और मतलब 13,000 RPM क्रॉस करके सुई पीछे रुक जा रही है भाई। इसको फटाफट बांधो, इसकी एक टेस्ट राइड लेते हैं, देखते हैं क्या मजा आने वाली है इसको भगा के। क्योंकि R3 अपने आप में पहले से ही बहुत तबाही गाड़ी थी, उसके बाद ये सब लगने के बाद तो और खतरनाक हो जाएगी। और भैया इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा था, टफ था इसका? क्या पूरी वायरिंग चेंज करनी होती है? हाँ, थोड़ा सा ये रहता है, बस वायरिंग का ही रहता है थोड़ा, मतलब 1 घंटे का प्रोसेस है, बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटे में ये टैंक खुलता है ना, मेनली टैंक खुलता है, उसके बाद वो सारी चीजें होती हैं। तो अभी इसको बनने में कितना टाइम लगेगा भैया? बनने में इसको बस 15 मिनट। सही है। तो 15 मिनट में R3 रेडी हो जाएगी, और उसके बाद इसको भगा के देखते हैं कैसी भाग रही है। ECU की फिटिंग एकदम परफेक्टली हो गई है, आप देख सकते हो एकदम ही सिक्योरली प्लेस कर दिया गया है, और R3 एकदम रेडी है। मतलब लिटरली 13,000 RPM भी क्रॉस कर जा रही है, उसके बाद लिमिट हिट कर रही है। तो इसकी परफॉर्मेंस तो खैर खुले हाईवे पे अच्छे से पता चलेगी, बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक बढ़िया सा राउंड लेंगे बाइक पे, देखेंगे क्या इम्प्रूवमेंट हमें फील हो रहा है ओवर दी ओरिजिनल R3। एंड बाकी तो ज़बरदस्त लग रही है। और भाई चली कितना है ये? 8,000 चली है, तो चली भी बहुत कम है बाइक, ज़्यादा चली हुई भी नहीं है, ऑलमोस्ट न्यू बाइक है ये। R3 एकदम रेडी हो चुकी है, और सब कुछ जो क्विक शिफ्टर एंड ऑल सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है बाइक में। आप देख सकते हो नीचे जो क्विक शिफ्टर का सेंसर है वो भी लग चुका है, तो यहाँ पे लगाया गया है वो सेंसर जो सिग्नल देता है ECU को कि इंजन कुछ मिली सेकेंड क्लिक कट करना है, उतनी देर में आप अपना गेम कर सकते हो, जो भी है शिफ्ट कर सकते हो खटाक से। तो एक बार अभी हम पेडॉक पे लगा रखी है गाड़ी, और इस पे बैठ के गाड़ी को टेस्ट करने वाले हैं कि कैसा क्विक शिफ्टर काम कर रहा है, और आपको आवाज़ सुनाते हैं। Time to ride this beast R3, because ये पहले से ज़्यादा अपग्रेड हो गई, और ये जो परफॉर्मेंस मॉड इसमें हुआ है ये और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है इस बाइक को। सो लेट्स गो फुल थ्रॉटल, लेट्स टेस्ट द क्विक शिफ्टर। अरे रोड इतनी खाली, ओ भाई भाई क्या काम कर रहा है क्विक शिफ्टर यार, क्या काम कर रहा है देखो, ये देखो भाई मक्खन, लिटरली मक्खन, इतना अच्छा तो स्टॉक क्विक शिफ्टर काम नहीं करता है गाड़ियों का, बटरी स्मूथ चल रहा है भाई, बटरी स्मूथ। और पहले बता दो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है,
मैं भैया ने कहा था कि यार एक R3 में लग रहा है, R3 मेरे दिल के बहुत करीब है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मुझे R3 कितनी ज़्यादा पसंद है। इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मोटरसाइकिल इन 300cc कैटेगरी। तो हम इसको यहाँ से यू टर्न लेंगे और फिर से भगा के देखेंगे, लेट्स सी कैसा भागती है ये। भाई क्विक शिफ्टर तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और थोड़ी सी खुली रोड मिलेगी अभी आगे फ्लाईओवर के बाद, सो वी विल टेस्ट देयर कि फोर्थ गियर में कितना जाती है, थर्ड गियर में कितना जाती है, फिफ्थ गियर में अगर हो पाएगा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओ भैया ये लड़का चार्ज हो गया है, पिंक टी शर्ट वाला, देख रहे हो उसको, भाई क्विक शिफ्टर बना हुआ है खुद ही, ये पीछे देख रहा है धुआं हुआ निकल रहा है कि नहीं प्रॉपर। भाई ऐसा मत करो, थोड़ा आराम से चलाओ, हेलमेट वेलमेट पहनो यार, कुछ भी होता है तो सीधा सर पे इम्पैक्ट आता है, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। भाई मक्खन हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कब अपशिफ्ट हो जा रहे हैं, भाई इतने बढ़िया हो रहे हैं। बाकी डाउनशिफ्ट आपके भाई के पैर में इनबिल्ट है और ऑटो ब्लिपर आपके भाई के हाथों में इनबिल्ट है, तो वो ब्लिप हो जाता है अपने आप, तो अगर हमें डाउनशिफ्ट करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा अपशिफ्ट का काम ये भाई खुद कर लेगी। अब चलो फोर्थ गियर में टेस्ट करते हैं, रोड खाली है, लेट्स सी कितना जाती है फोर्थ में। 155 इन फोर्थ में, 155, ये ड्यूक 390 के फिफ्थ गियर की टॉप स्पीड थी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ यामा इंजन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ टू सिलेंडर्स मैन, जबरदस्त भाई मजा आ गया। सो नाउ वील ट्राई फिफ्थ गियर, लेट्स सी वी कैन अचीव द टॉप स्पीड। अगर यहाँ पे रोड थोड़ी सी खाली मिलती है, खाली स्ट्रेच मिलता है, तब ट्राई करेंगे। अपने आप को एक्सट्रीम पुश नहीं करने वाले हैं, इतना ही पुश करेंगे जितना हो सकता है, हमें अपनी लिमिट्स पता हैं। सो वहाँ से लेंगे यू टर्न एंड देन वील गो फुल थ्रॉटल। बाइक के जो शिफ्ट हैं उसके मजे लेना, अगर इसमें एग्जॉस्ट लगा होता ना तो वो ब्रैप ब्रैप वाला साउंड भी करती है और ख़तरनाक लगती। भाई यार फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, भाई 180 पहुंच जाएगी फिफ्थ में लग रहा है। वो 174 तो ऐसे ही चली जा रही है छोटे से स्ट्रेच में, फिफ्थ में ये 180 हिट करेगी भाई आराम से। सोचो फिफ्थ गियर में 180 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डेफिनेटली स्पीडो एरर है R3 में, बट स्टिल 180 इज अनबिलीवेबल मैन। अगर 10 का भी स्पीडो एरर होगा तो गाड़ी फिफ्थ में 170 तब भी कर रही है भाई, खा जाएगी भाई ड्यूक 390 को ये, स्पेशली इस परफॉर्मेंस अपग्रेड के बाद तो पक्का खा जाएगी। RPM देखो 13,000 RPM क्रॉस करने के बाद हिलना शुरू होता है भाई, क्या बात है भाई, रॉकेट है, सच में रॉकेट है, मजा आ गया चला के, जबरदस्त भाई। जो गाड़ी ऑलरेडी इतनी बीस्ट थी पहले से, उसमें पावर ट्रॉनिक लगने के बाद, क्विक शिफ्टर के एड ऑन के बाद, ये फिर भाई आपको ऐसी बाइक हो गई जो आपको हर टाइम ऑर्गेजम देने वाली है चलाते चलाते। देख रहे हो भाई क्विक शिफ्टर कैसा काम कर रहा है, मजा आ गया। भाई ने कहा यमहा तो R3 ला नहीं रही है, मैं खुद से इसको अपग्रेड कर लेता हूँ। तो उन्होंने इसमें सीधा क्विक शिफ्टर एंड ऑल सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी। हाँ भाई सब्सक्राइबर हो, अच्छा भैया फिफ्थ में 180 जा रही है भाई, बहुत अच्छी चल रही है पता है, मज़ा आ जाएगी आपको चला के एकदम। हाँ सुनो, लेकिन डाउनशिफ्ट नहीं था, डाउनशिफ्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि वो पेडॉक पे लगी हुई थी, लेकिन अपशिफ्टर एकदम मक्खन और फिफ्थ में 180 हिट कर रही है, फिफ्थ गियर में 180 और फोर्थ में 155 पे लिमिटर आ रहा है। आप फिलहाल व्लॉग में हो, हाय कर दो एक बार, भाई की गाड़ी है, मैंने वैसे बता दिया है व्लॉग में कि आपकी गाड़ी है और बहुत ही मेंटेन बाइक है, बहुत ही अच्छी है, 8000 किलोमीटर समथिंग करे हुए हैं और यहाँ पे जो रैप ऐप हो रखा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो 5D कार्बन से रैप किया गया है कुछ कुछ पॉइंट्स पे, ये जितने भी प्लास्टिक कंपोनेंट थे इसके वो सारे 5D कार्बन फाइबर हो गए और क्विक शिफ्टर 10/10 वर्क कर रहा है, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, हल्का सा भी कोई लैग नहीं है क्विक शिफ्टर में किसी भी RPM पे,
जो R15 का स्टॉक क्विक शिफ्ट रहता है वो भी इतना स्मूथ नहीं होता है। मैं तो कहूँगा डीकैट मत करना इसको, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा रहने देना, उसके ऊपर से एग्जॉस्ट डालोगे आप तो इंजन को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हाँ, और हल्की आवाज़ भी, बेस जैसे मेरी 390 में बेस आता है। हाँ हाँ, और बीच बीच में वो पॉप्स एंड क्रैकल्स भी हल्के हल्के पड़ते रहते हैं। हाँ हो रही है, हल्की हल्की फील हो रही है। अब जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है नीचे, तो बाइक पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं, लुक भी इतना बढ़िया लग रहा है एग्जॉस्ट के साथ। हाँ चलिए मैं भी निकलता हूँ, आप भी आराम से जाना, थोड़ा नया नया लगा है पता नहीं उड़ा रहे। चलिए भैया, बाय बाय, मिलता हूँ मैं। हाँ बाय भाई। R3 का क्विक शिफ्टर चलाने के बाद अपनी 390 में भी मैं ऐसे ही शिफ्ट कर रहा था, भूल गया था। क्या 390 तुम्हें भी चाहिए क्या क्विक शिफ्टर बेबी? डिमांड नहीं करती है, एंजॉय करती है बस अपने राइडर को। ओह भाई, वेरी ब्रूटल मैन। मतलब R3 से 390, 390 से R3 पावर में ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता है, एकदम सेम लगती हैं दोनों गाड़ियाँ। ये थोड़ा इनिशियली ज़्यादा एक्सेलरेट होती है, ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेट होती है। अगर आपको सिटी के लिए चाहिए तो ड्यूक इज़ अ बेटर बाइक आई गेस, बिकॉज थोड़ा इनिशियल टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। बट भाई R3 तो भाई टॉप एंड स्क्रीमर है भाई, जिनको स्क्रीमर गाड़ियाँ पसंद हैं, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे दोनों तरह की नेचर पसंद है, तो भाई वो टॉप एंड में घसीट के रख देती है। राइड्स के लिए R3 इज़ बेस्ट मैन। यहाँ से लेते हैं लेफ्ट टर्न एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको मज़ा आया होगा R3 देख के। और कोई अगर आपको कंटेंट देखना है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, बिकॉज मुझे तो बहुत मज़ा आया R3 का क्विक शिफ्टर देख के भाई। और डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट R3 है ये, बिकॉज इससे ज़्यादा R3 क्या परफॉर्म करेगी। पहले से ही R3 टॉप एंड 20 थी, उसके ये होने के बाद तो मुझे लगता है वन ऑफ द फास्टेस्ट R3 इन इंडिया मैन, डेफिनेटली। सो ऑन दिस वेरी गुड नोट एंड करते हैं इस वीडियो को। इंस्टाग्राम हैंडल एक्सप्लोर है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय।